किसान भाइयों, जिस समय अधिक वर्षा या तापमान में अधिक गिरावट होती है, उस समय सरसों में एक समस्या ज़्यादातर दिखाई देने लगती है, और ये अधिक तापमान के गिरने पे ज़्यादातर बढ़ती है, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होती है तो ये फंगस की बीमारी होती है, तो ये बढ़ती चली जाती है। इसको जो है हम इंग्लिश भाषा में वाइट रस्ट कहते हैं, या इसको हम सफ़ेद रतुए के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी ऐसी है जो तापमान के अधिक गिरने से ही ज़्यादातर होती है, या पानी अधिक लगाने से ही अधिक होती है। इसमें जो हमारी पत्तियां होती हैं, उस पर उसकी जो निचली परत जो होती है, पत्ती के जो निचले वाला भाग होता है, उस पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से बन जाते हैं, और उसमें बाद में पाउडर नुमा सा वो गिरने लगता है। होता क्या है कि ये फंगस होती है और पत्तियों की निचली तरफ एक्टिव होती है, और धीरे धीरे ये जो हमारी पौधे का जो तना होता है, उस पर ये आने के बाद में फलियों पर अटैक करने लगती है। करने के बाद में जब फलियों पर अटैक करने लगती है, तो उस समय इसकी बहुत बड़ी गंभीर समस्या सामने आ जाती है। पौधे अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं, और साथ में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो रुक जाती है, फोटोसेंसिस की क्रिया रुक जाती है, और पौधों में फलियाँ नहीं बन पाती, फल नहीं बन पाता, और तेल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारा जो उत्पादन होता है सरसों का, वो घट जाता है। तो अगर जो जैसे अभी बारिश ज़्यादा हो रही है उस समय, और वातावरण में तापमान में काफ़ी गिरावट है, इस समय हमें अपने खेत की जो है देखते रहना चाहिए। साइड में ही, खेत की साइड में ही ज़्यादातर हमें दिखाई दे जाता है, उस समय अपने खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। और इसकी जो रोकथाम के लिए हमें, वैसे तो कोई भी फंगिसाइड हम ले सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, लेकिन अगर जो आप इसमें एक बेस्ट दवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिडोमिल MZ, ये जो दवाई है, ये आप 400 से 500 ml को जो है आप लेकर, और 200 लीटर पानी में उसे मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। या अगर जो ज़्यादा स्थिति नहीं है, अभी आपके खेत में कमी दिखाई दे रहा है इक्का दुक्का, तो आप मैन को जेब को भी ले सकते हैं, जो 400 से 500 ग्राम लेने के बाद आप उसे 200 लीटर पानी में मिलाकर उसकी स्प्रे हम अपने खेत में कर सकते हैं। ये उस समय ही ज़्यादातर दिखाई देता है जब ज़्यादा वर्षा होती है, या तापमान में अधिक गिरावट होती है, या कोहरा अधिक होता है, उस समय ही हमें, उस परिस्थिति में ही हमें दिखाई देता है। उसी समय यह अनुकूल हमारे पौधे पर होता है। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर प्लीज़, नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।